हेलो फ्रेंड्स, मैं सिन्नी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डी आई वाई बाई सिन्नी में। और आशा करती हूँ फ्रेंड्स सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। शिनू नहीं तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आज मैं ये वाली जो डिज़ाइन है इसको मैंने पहले ही भी अपने चैनल पर बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए और वहाँ पर देखिए। और आज मैं आपको इससे बड़ा बनाना बताऊँगी। तो ये मैंने पहले 24 फंदे में बताया था, आज मैं आपको 30 फंदों से बना के बताऊँगी सेम ये वाली डिज़ाइन, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगती है और बनाना भी जो है ना बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको दो कलर की ऊन चाहिए होगी। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है येलो और ब्लू, और आप अगर चाहो तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हो दो कलर की साड़ी को लेकर के। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगी 9 नंबर की सिलाई। ये देखिए, मैंने स्वेटर बुनने वाली सिलाई ले रखी है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि कैसे इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, सिलाई में जो है फंदे आपको डालने हैं। तो फंदे यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सिंपल से जैसे हम सिलाई में फंदे डालते हैं ना, वैसे करते हुए यहाँ पे 30 फंदे हम टोटल डालेंगे अपने। ठीक है, यहाँ पे एक नॉट लगा लेते हैं पहले, ये देखिए, बहुत ही सिंपल से डिजाइन है। तो देखिए, नॉट लगाना है और एक फंदे नॉट को हो गए, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे करते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 30 फंदे हम अपने सिलाई में डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल अपने जो सिलाई में 30 फंदे डाल रखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, पहली सिलाई से ही हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहली सिलाई से हम ये देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
फंदे डालने के तुरंत बाद से डिजाइन को फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया, आपने देखा तो 29 फंदे हमने बनाए, एक फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आगे अपनी उल्टी साइड, और यहाँ पे अब क्या करना है, हमें कलर को चेंज करना है। अब यहाँ से हम अपना जो है येलो कलर ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए एक नॉट लगा लेते हैं और यहाँ से कलर को चेंज करते हैं। देखिए अब यहाँ से जो फंदे हैं इन सबको हम येलो कलर से बनाएंगे और ब्लू वाला फंदा हम यहीं पे छोड़ के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो 29 फंदे हैं इन सबको हम येलो कलर से बनाएंगे, इसको बीच में फंसा लेंगे और ब्लू वाला जो ऊन है हमारा वो नीचे ही रहेगा अभी। और यहाँ से सीधी सॉरी उल्टी साइड से कुछ नहीं करना है, जो जैसे है इसको इधर से बिन लेंगे हम, ठीक है, 29 फंदों को। बहुत ही अच्छी से डिज़ाइन है, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, अगर आपने नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइए, काफ़ी इजी है, आराम से आप बना भी सकते हो इसको। और साड़ियों में काफ़ी बड़ा बन के आएगा, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान है, पहली बार में आप बना लेंगे, जो कभी नहीं बनाया ना वो भी इसे आसानी से बना लेगा। बस आपको क्या है, वीडियो को फुल देखना है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ऊन को पीछे करके ये वाला फंदा जो इसको हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फंदा सीधा बना लिया, फिर आ जाएंगे अपनी सीधी साइड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फिर से अब इसको हम यहाँ से उतार लेंगे, ठीक है, हमने उल्टे साइड से बनाया था इसको सीधा इसलिए। और बाकी यहाँ से देखिए अब फिर से हम बनाएंगे, जो जैसे है वैसे ही बनाएंगे हम। यहाँ पे हमें कलर जो है चेंज करना है बारी बारी से, ठीक है, हर दो सिलाई के बाद कलर चेंज हो जाएगी हमारी उल्टी साइड से। ये हमारी सीधी साइड है, तो यहाँ से जो जैसे है उसको हम वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए हम यहाँ तक आ गए, तो अब हमने अपने 28 फंदे बनाए, फिर से एक फंदा यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, इतना आप समझ लिए, एक एक फंदा हमें हर बार छोड़ना है, ठीक है। अब यहीं से वापस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब इस कलर को हम यहाँ पे येलो यहीं पर छोड़ देंगे और जो हमारा ब्लू कलर था उसको हम ले लेंगे यहीं से, ठीक है। अब येलो कलर हमारा यहीं नीचे रहेगा
और फिर हम जब उल्टी साइड में आएंगे तो फिर बनाएंगे। और यहाँ से कुछ नहीं करना है फ्रेंड, जो जैसे है उसको वैसे ही पूरा बनाएंगे हम, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, इधर से कुछ भी नहीं है, उल्टी साइड से सब फंदे को जो है ऐसे उल्टा उल्टा बना लेना है। सीधे साइड से बस आपको क्या करना है, एक फंदा छोड़ने के बाद कलर को उल्टी साइड से चेंज कर लेना होता है। बस जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप चाहे कितने भी फंदे लेके इसको बना सकते हैं, फंदों का इसमें कोई वो नहीं है, फंदे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि आप कितने भी फंदे लेकर के इसको बनाइए आपका बनेगा। अब इसको पीछे करके ये वाला फंदा जो है सीधा बनाएंगे, ठीक है। फिर से आ गए अपने इस साइड हम सीधे साइड, और फिर से यहाँ पे देखिए अब इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। इसको उतारने के बाद यहाँ से फिर से ये देखिए यहाँ पे जो जैसे है को ऐसे बनाएंगे। आपको डिज़ाइन में समझ में भी आ रहा होगा, देख सकते हैं आप एक एक रो बनी हुई है दोनों कलर की। आपके बचे हुए हूनो अगर आपके पास तो आप ये यहाँ से एक एक पत्ती करके अलग अलग कलर से बना सकते हैं। टोटल 6 पत्तियाँ बनेंगी इसमें, ठीक है। तो 6 को आप अलग अलग कलर से अगर बचे उनका यूज करना चाहते हैं तो भी आप इस डिज़ाइन में कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल राउंड शेप डोरमैट है, काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद। अब देखिए यहाँ से फिर से हमने ब्लूज बनाया, फिर से एक फंदा हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से वापस हो जाएंगे और यहाँ से फिर से जो जैसे है फ्रेंड्स उसको वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ से कलर चेंज होगा हमारा, ये देखिए अब यहाँ से कलर चेंज होगा तो इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से येलो कलर ले लेंगे, ठीक है। उल्टे साइड से कलर को हम चेंज करेंगे, ये देखिए, और सीधे साइड से हमारा कुछ इस तरीके से एक एक रो बन के आएगा। तो चलिए इधर से पूरा हम यहाँ तक बना लेते हैं येलो से, इसको सीधा बनाएंगे इधर का फंदा। कि फ्रेंड्स इधर से हमने बना लिया और अब हम फिर से आ जाते हैं अपने सीधे साइड में, एक मिनट, ये देखिए सीधे साइड, ठीक है। तो ये देखिए हमारी एक एक करके रो बन रही है और यहाँ से 1, 2, 3 ब्लू तक के फंदे हमने छोड़े हैं। अब हम इधर से आएंगे, इसको उतार लेते हैं और यहाँ से येलो को येलो से बना लेंगे। तो बस यही करना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना, कहीं पे भी कुछ नहीं करना, बस एक एक फंदा सीधे साइड से छोड़ेंगे हम और उल्टे साइड से हम अपने कलर को चेंज कर लेंगे, है ना। यानी हर 2 सिलाई बनाने के बाद कलर को हमें चेंज करना है। जैसा मैं बना रही हूँ सेम ऐसे आप बनाएंगे तो आपका भी जो है बन जाएगा। बस ऐसे ही करते हो आपको यहाँ पे सारे फंदे जो है ना सभी फंदों को छोड़ना है 2-2 करके। देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे येलो का एक फंदा छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4 फंदे हमारे छूट चुके हैं, फिर से वहाँ वापस हो जाएंगे और यहाँ से जो है अपने कलर को चेंज कर लेंगे। अब हम ब्लू कलर लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो जैसे उसको ऐसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बना लेती हूँ, ऊपर तक आती हूँ, है ना। हमारे पास चलिए यहाँ पे जब 4 फंदे रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी यहाँ तक के फंदे आप भी अपना बना लीजिए चेंज करते हुए। लास्ट में जब यहाँ ऊपर में 4 फंदे रहेंगे ना बनाने के लिए तब मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी नीचे से बनाते हुए चेंज करते हुए एक एक फंदा छोड़ते जाइए आप भी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने कुछ इतना बना लिया इसको, जो कि बहुत ही सुंदर बन के आए। देखिए एक एक करते हुए फंदों को देखिए हमने छोड़ लिए। बस हमारे पास ये देखिए अभी 4 फंदे ब्लू वाले बचे हुए हैं जिनको कि अभी हम छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सुंदर, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल चैन से बन के आ रही है। तो ऐसे ही कुछ आपका भी बनेगा। तो अब देखिए अभी 4 फंदे हैं हमारे और टर्न जो है ब्लू का ही है अभी, क्योंकि सीधे साइड से वही हम बनाते हैं। ये देखिए 3 फंदे हमने बनाए, 1 फंदे हमने ब्लू के छोड़ दिए। फिर यहाँ से हो जाएंगे वापस और यहाँ से फिर से कलर को चेंज कर लेंगे, येलो लगाएंगे 1-2 इसको इधर करके इसको सीधा। ये देखिए 3 फंदे हो गए। अब देखिए अब इन 3 में से फिर से एक फंदा छोड़ेंगे। तो देखिए 1-2 बनाया, 1 फंदा येलो वाला छोड़ दिया, फिर वापस हो जाएंगे और यहाँ से फिर से ये देखिए ब्लू से 1 इसको पीछे करके ये वाला सीधा, ठीक है। क्योंकि हम हर वक्त कलर जो चेंज है अपने पीछे साइड से ही करते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए हमारे सारे फंदे जो है छूट चुके हैं और ये जो 2 ब्लू के हैं इनको अब हम नहीं छोड़ेंगे, ये 2 हमारे पास रहेंगे ही बिना छूटे, बाकी यहाँ पे एक एक करके सारे फंदे जो है कम हो गए हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ब्लू है इसको उतारेंगे, ये बना लिया ब्लू को ब्लू से। अब इसको पीछे करेंगे और यहाँ से जो येलो कलर है उसको क्रॉस करा के आगे लाएंगे। तो यहाँ पे येलो वाले को येलो से बनाएंगे, ये देखिए बना लिया। फिर इसको पीछे करेंगे, फिर से ब्लू को आगे लाएंगे, तो यहाँ ब्लू को ब्लू से, फिर पीछे करेंगे और येलो की बारी है तो येलो को आगे लाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे जो जिस कलर से है उसको
हम उसी कलर से बनाएंगे, उनको पीछे करते हुए लाएंगे, क्रॉस कराते हुए। ये देखिए फिर से येलो आ गया, मतलब जो जिस कलर से है उसी कलर से हम बनाएंगे उसको। ये देखिए ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही करना है, जो जिस कलर से है उसी कलर से यहाँ पे बनाना है हमको। फिर इसको पीछे, इसको आगे, पीछे, इसको आगे, ब्लू को ब्लू से, येलो को येलो से। तो बहुत सुंदर डिजाइन है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन भी जाता है ये, है ना, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे, बस कलर को चेंज करते जाना है बस। ये देखिए यहाँ पे जो जिस कलर से है उसी कलर से बनाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए आप लोग डिज़ाइन को। ये देखिए इसको पीछे किया, यहाँ से आगे लेंगे, और बाकी अपना लाइक कमेंट भी करते रह कीजिए। अगर और भी बड़े फंदों में कुछ भी सीखना हो आपको, कोई भी डिजाइन, तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तब बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, बताऊंगी जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक आध डिज़ाइन जो है मेरी, जो मैंने कई बार बता दिया, तो प्लीज़ अगर आप लोग को नहीं समझ में आता ना, तो एक बार चैनल पर वीडियो को चेक कर लिया कीजिए, पुरानी इस वीडियो को, क्योंकि होता कुछ कुछ वीडियो जो है ना हमारी, जो डिज़ाइन वो पड़ी हुई है हमारे पहले से भी। अब ये देखिए आगे लाएंगे और इसको बना लेंगे। ये देखिए तो इसमें ना सर्कल बहुत कम बन गया था, बहुत ही कम। और यहाँ पे देखिए ये एक पत्ती जो हमारी है कंप्लीट हो गई कुछ इस तरीके से। अब देखिए हम पीछे साइड आएंगे, और पीछे साइड से हमारे ब्लू कलर पे ख़त्म हुआ है ना, तो अब यहाँ से हम सारे फंदों को ब्लू कलर से बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब येलो कलर जो है वो नीचे ही रहेगा, और यहाँ से देखिए सारे फंदों को हम ब्लू कलर से बना लेंगे, येलो वाले जो है उनको भी, ब्लू वाले जो है उनको भी, और येलो कलर जो है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी फिर से डिजाइन वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था, है ना। ये देखिए यहाँ पे हो गया, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको डेली ही कोई ना कोई वीडियो मिलती रहे मेरी। इसको पीछे करके इसको सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से देखिए ये बन के आएगा ऐसा, है ना, ये बहुत ही सुंदर सा लगता है। देखिए बिल्कुल अलग से ये बन के दिख रहा है आपको ना। अब देखिए अब फिर से वही हम करेंगे जैसा कि हमने अपना स्टार्टिंग में यहाँ से किया था फंदे डालने के बाद, है ना, आपको याद होगा मैंने फंदा डाला था, उसके बाद फिर हमने यहाँ से पूरा फंदा जो ब्लू से बनाया था एक फंदा छोड़ा था। तो अब फिर से हम दूसरी कली की स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए फिर से हमने इस फंदे को उतारा, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 30 फंदे हैं तो जिसमें से हम अपने 29 फंदे बना लेंगे ब्लू कलर से। तो मतलब अब फिर से वही वाली स्टार्टिंग हो गई जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। यहाँ से सारे फंदों को बना लेना है, तीस फंदे का है, आप 40 का भी बना सकते हैं और कम का भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें फंदे कितना आपको डालना है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि 2 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल, आपके जितने मन हो आप उतने फंदे डाल के इस डिज़ाइन को आप बनाइए, बहुत सुंदर बनेगा। तो ये देखिए हम यहाँ तक आ गए, फिर से हमने एक फंदा यहाँ पर छोड़ दिया, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बनाया था तो एक फंदा हमने छोड़ा था, फिर यहीं से हम वापस हो गए थे, ठीक है। और यहाँ से अब हम दूसरा कलर लगा लेंगे अपना येलो कलर, ठीक है। तो देखिए फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो गई ना, अब हम फिर से वैसे ही बनाएंगे कलर को, हर दो सलाइम चेंज करेंगे और एक एक फंदा नीचे से छोड़ते रहेंगे। तो बहुत ही आसान है। अभी दूसरी हमारी जो है कली वो बन रही है, पहली बन चुकी, अभी दूसरी कली यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो हम हर बार जो अपना ऊन है वो पीछे से ही चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो ब्लू कलर पे ही आपको घटाना है यहाँ पे, ठीक है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जब हम यहाँ पे, आपको याद है जब ये हमने बनाया अलग अलग कलर से जो जिस कलर था, यहाँ तक पूरा करेंगे, उसके बाद यहीं से हम पूरे ब्लू कलर से अपना फंदा घटा देंगे उल्टी साइड से, ठीक है।
आपको ऐसे करके ये वाला फंदा हर बार सीधा बनाएंगे। तो देखिए काफ़ी सुंदर बन रहा है। और फिर आ जाएंगे अपने इस साइड और इधर साइड से फिर से वैसे ही यहाँ से येलो से बनाते हुए एक फंदा अब हम येलो का छोड़ेंगे और फिर जब अपने उल्टी साइड आएंगे तो यहाँ से ब्लू कलर लगा लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग जैसे बताया था फ्रेंड्स वैसे ही बनाइए, आपका डिजाइन जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलिए वीडियो को करेंगे एंड, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।